खुशी फैशन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि टेलरिंग से जुड़ी सारी अपडेट आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। खुशी फैशन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। तो टेलरिंग क्लास के लिए हम पहला वीडियो आज बना रहे हैं। जो बिगनर्स है, जिसको स्टार्टिंग से सिलाई सीखने की ज़रूरत है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही काम का है। अगर आप परफेक्ट टेलर है तो ये वीडियो आपके काम का नहीं होगा। जो बिगनर्स है, जिसको सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए। अब हम इस चैनल पर वन बाय वन ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। स्टार्टिंग से सिलाई काम किस तरीके से सीख सकते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें सुई में धागा डाल देना है इस तरीके से। तो सुई में किस तरीके से धागा आसानी से डालते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो वीडियो की लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हमने धागा डाल दिया, तो ये तुरपाई जो हम करते हैं उसमें सिंगल धागे की ज़रूरत होती है। तो ये जो सिंगल धागा है वो यहाँ से हमने सिंगल धागा ले लिया, और अब हम सबसे पहले इसमें गांठ लगाएंगे। तो ये इस तरीके से गांठ लगाते हैं। तो ये जो उंगली है, यहाँ से इस तरीके से हम रखेंगे, और यहाँ से फिर ये उंगली को यहाँ से छोड़ देंगे। तो इस तरीके से गांठ है वो हमारी बहुत ही आसानी से लग गई, आप देख सकते हैं। तो ये हमने गांठ लगा ली। तो ये गांठ लगाने के बाद अब हम तुरपाई की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले ये जो धागा है वो सबसे पहले इतना छोटा यहाँ पे हमने रखा हुआ है, और अब हम जिसमें भी हमें तुरपाई करनी है, जो हमारा स्टार्टिंग का स्टेप है, वो हिसाब से यहाँ पर हमने ये वाली सिलाई कच्ची एक सिलाई लगा ली, ताकि यहाँ पर हम जब तुरपाई करेंगे तो तुरपाई करने में बहुत आसानी होता है। तो सबसे पहले हम ये गले की, ये जो पूरा गला है वो पूरा गले के अंदर हमें तुरपाई करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से धागा डालेंगे। सबसे पहले दो टांके यहाँ पे ले लेंगे इस तरीके से, और अब हमें ये जो कपड़ा है वो बराबर रखना है। ये कपड़ा अगर ऐसे आ गया तो यहाँ पर खोल आ जाएगी, तो वही हिसाब से ही हमने एक अच्छी सिलाई लगा ली। तुरपाई होने के बाद ये सिलाई है हम निकाल देंगे। तो अब हम यहाँ से किस तरीके से करनी है तुरपाई वो देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर जो है वो शोल्डर का पागे, तो इस हिसाब से टाँका ऐसे ले लिया। अब यहाँ से हम देखते हैं किस तरीके से करना है। तो ये जो तीन उंगली है वो हम इस तरीके से नीचे रखेंगे, ये वाली उंगली ऊपर रखेंगे, और ये वाला जो भाग है वो यहाँ पे रखेंगे। तो इसके जो प्रॉपर पकड़ने का जो तरीका है तुरपाई करने का वो ये है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा तुरपाई इस तरीके से करते हैं, यहाँ से इस तरीके से पूरा इस तरीके से करते हैं। तो वो पहले स्टेप में नहीं होगा, उसकी अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद आप भी इस तरीके से तुरपाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ से दो धागे ये वाले कपड़े के उठाने हैं, और दो धागे जो है वो ये वाले पट्टी के उठाने हैं। तो इस तरीके से रख टाँके लगाने हैं। तो ये वाली जो सुई है वो हमारी इसे क्रॉस रहेगी, ऐसे हमें टाँके नहीं लगाने हैं। अगर ऐसे लगाओगे तो तुरपाई बराबर नहीं होगी। तो ये जो है यहाँ से इस तरीके से क्रॉस, और हल्का सा दो टाँके ही यहाँ से उठाने हैं। आप देख सकते हो दो धागे यहाँ से और दो धागे ये पट्टी के, और जो सुई है वो क्रॉस है। तो इस तरीके से पूरे गले में हमें करनी है, यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। दो धागे यहाँ से उठाने हैं, ज़्यादा उठाओगे तो ये वाला जो पीछे का भाग है यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पे हमने जो तुरपाई की हुई है वो बिल्कुल दिख नहीं रही है। अगर ज़्यादा कपड़ा लोगे पकड़ में ये सुई के, तो वहाँ पर एकदम ज़्यादा वो ये टाँके दिखेंगे, तो तुरपाई खराब दिखेगी, उस वो तुरपाई नहीं चलेगी। तो
तो इसी तरीके से हमें यहाँ से इस तरीके से करते जाना है। हर बार इतना लंबा आप अगर धागा हम नहीं खींचेंगे तो इस तरीके से इसे कर लेनी है। तो इस यहाँ से हम अब धागा जो है एक साथ खींच लेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं तुरपाई किस तरीके से है। तो यहाँ पे जो टांके हैं वो एकदम बारीक बारीक आपको दिख रहे होंगे, लेकिन अगर दूर से देखेंगे तो बिल्कुल नहीं देखेगा। तो इस तरीके से तुरपाई हम एकदम बढ़िया फिनिशिंग में कर सकते हैं। अभी ये इतनी तुरपाई यहाँ से यहाँ तक हमने कर ली है। अब ये तुरपाई अगर ये धागा हम खींचेंगे तो पूरी तुरपाई यहाँ से पूरी खींच जाएगी। तो वो हिसाब से हम यहाँ पर टांके ले लेंगे। तो लंबी अगर तुरपाई हमें करनी है तो हम बीच में इस तरीके से टांके ले लेंगे, यहाँ से इस तरीके से कांटी लगा देंगे और तो यहाँ से ऐसे खींच लेंगे। फिर अभी यहाँ से अगर धागा कितना भी हम खींचेंगे तो ये वाली जो तुरपाई है वो वैसी की वैसी रहेगी। ये वाली जो है यहाँ से खींचेगी नहीं, तो फिनिशिंग भी बड़ा बराबर रहेगा। तो हम देख सकते हैं हमने इतनी तुरपाई की है एकदम फिनिशिंग में, और एकदम कहीं पे भी हमें नहीं दिख रहा है। ताकि अगर हम जूम करेंगे तो बारीक बारीक टाके दिखेंगे। तो हमने जो तुरपाई किया है उसके जो देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग बराबर है। हमने जो सिलाई लगाई थी वो सिलाई भी यहाँ से निकाल दी, और यहाँ पर हम एकदम बारीक बारीक टांके देख सकते हैं। अगर एकदम जूम करके देखेंगे तभी देखेंगे, बाकी एकदम गला एकदम बराबर बैठ गया है हेमिंग के साथ। तो यह था हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर कीजिए जो बिगनर्स है और जो सिलाई काम स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं। दूसरे स्टेप के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।